एप्पल कंपनी की वर्थ आज $2 trillion से भी ज्यादा है और ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है। पर सवाल ये उठता है कि एप्पल कंपनी आखिरकार यहाँ तक पहुंची कैसे। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी की शुरुआत की थी तो वे सिर्फ ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते थे जैसा वो सोचते थे। वो एक फ्यूचरिस्टिक थिंकर थे। वो कस्टमर के बारे में नहीं सोचते थे कि कस्टमर उनका प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। वो सिर्फ भविष्य को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट बनाते थे और यही सोच कंपनी में आज भी है। एप्पल कभी नहीं सोचता कि उनका प्रोडक्ट कस्टमर खरीद पाएगा या नहीं खरीद पाएगा। वो कभी प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो बेचते हैं अमीरी, दिखावा, डिजाइन, सिक्योरिटी, बेहतरीन फीचर्स। इसी वजह से एप्पल आज यहां तक पहुंचा है। गाइस, आपका एप्पल के प्रोडक्ट्स के बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। पेट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी है। जब इसके प्राइसेस हिलते हैं तो सरकारें हिल जाती हैं। इंडिया में पर लीटर पेट्रोल की कीमतें 90 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच में हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरी ही दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल और सबसे महंगा पेट्रोल कहां पे मिलता है और कितने रुपए का है तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं इस वीडियो में इसका आंसर भी दे देता हूं। गाइस, सबसे सस्ता पेट्रोल पूरी ही दुनिया में वेनेजुएला में मिलता है और प्राइस सुनकर आप लोग हैरान रह जाओगे। पर लीटर पेट्रोल की कीमत मात्र 1.44 रुपए है। वहीं सबसे महंगा पेट्रोल हांगकांग में बिकता है। वहां पर लीटर पेट्रोल की कीमत लगभग 170 रुपए है। गाइस, ये फैक्ट सुनकर आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।